हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज की सुबह के समय के लिए हर एक जन आज आनंदित हो जाए, हालेलुया, क्योंकि आज आपके पास परमेश्वर का एक ऐसा वचन पहुंचने वाला है जो आपके लाइफ में सब कुछ प्रकाशित कर देगा, रोशनी से भर देगा, आपकी अंतरात्मा प्रकाशित हो उठेगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज हर एक जन तैयार हो जाए और आज की सुबह की प्रार्थना को किसी ने भी मिस नहीं करना है, हालेलुया, किसी ने भी मिस नहीं करना है। आज की प्रार्थना के द्वारा जो लोग सुनने जा रहे हैं, आज वचन को सुनने जा रहे हैं और जो प्रार्थना को सुनकर ग्रहण करने जा रहे हैं, आज आपके जीवन में कुछ खास होने जा रहा है। आज आप प्रकाशित होने जा रहे हैं, आपके लाइफ का हर एक हिस्सा, हर एक एक भाग शाइन करने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, परमेश्वर के प्रकाश से आप प्रकाशित होने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए आज की प्रार्थना को शुरू से लेकर अंत तक आपने बने रहना, किसी ने भी मिस नहीं करना, किसी ने उठकर नहीं जाना है। हालेलुया, क्योंकि आज की जो प्रार्थना और वचन है आज आपके लाइफ में एक जबरदस्त चमत्कार करने वाली यीशु के सामर्थ्य नाम में। आइए, जो मंथ है, जो प्रभु ने नया मंथ आपके जीवन में दिया है, इस मंथ में जो लोग आज वचन को सुन रहे हैं, प्रार्थना को सुन रहे हैं, और सिर्फ सुनना ही नहीं है, इसे रिसीव करना है, ग्रहण करना है, ज्वाइनिंग करना है प्रार्थना में, हालेलुया, तो सचमुच में आज आप एक आम व्यक्ति नहीं, आप परमेश्वर के खास व्यक्ति होकर बदलने जा रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कितने लोग तैयार हैं आज? क्या आप तैयार हैं आज की प्रार्थना में बने रहने के लिए, सुनने के लिए, रिसीव करने के लिए, ग्रहण करने के लिए? आज जो भूख और प्यास दिखा रहा है परमेश्वर के वचन को लेने के लिए, प्रार्थना को सुनने के लिए, आज ये एक ये जो मंथ है आपके जीवन में सब कुछ नए होने जा रहा है। आपके लाइफ में हर एक बाधाएं यदि है तो वो सारी बाधाएं खत्म होने जा रही है। आज कोई भी सिचुएशन आपके लाइफ में हो सकती है, आज आप उसे ढहाने वाले हो, गिरा देने वाले हो, जड़ से उखाड़ के फेंकने वाले उस बीमारी को यीशु के सामर्थ्य नाम में। इसलिए हर कोई, चाहे छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, चाहे वो बड़े क्यों ना हो, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, चाहे एक बड़े बिजनेसमैन ही क्यों ना हो, चाहे आप जॉब करने वाले व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे आप प्रार्थना करने वाले क्यों ना हो, चाहे आप विश्वासी क्यों ना हो, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर की सेवकाई भी करने वाले क्यों ना हो, आज आप सबने सुनना है और रिसीव करना है परमेश्वर के अभिषेक को, उस सामर्थ्य को। और जब वो मसल वो अभिषेक वचन सुनने से आता है, वो अभिषेक वो उस वचन में को सुनकर ग्रहण करने से आता है, प्रार्थना को रिसीव करने से आता है। और आज आप देखेंगे आपके हर एक बंधन टूटते यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज जो आप चाहते हैं, इतने साल हो गए जो ठीक नहीं हो रहा, आज की वचन और प्रार्थना के द्वारा सब कुछ होने जा रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। तो कितने लोग एक्साइटेड हैं, कितने लोग आनंदित हैं, कितने लोग चाहते हैं कि यस लॉर्ड, मैं भी चाहता हूँ, मैं भी चाहती हूँ, मैं भी परमेश्वर अपने लाइफ में सुपर ब्लेस्ड होना चाहता हूँ, चाहती हूँ। कितने लोग खुश और आनंदित रहना चाहते हैं? खुशी का जीवन किसे किसे चाहिए, शांति का जीवन किसे चाहिए? कितने लोग चाहते हैं आपका परिवार एक हो जाए? कितने लोग चाहते हैं हमारे परिवार में अब से कोई ना दुख हो, ना दर्द हो, ना प्रॉब्लम हो, ना समस्या हो? कितने लोग चाहते हैं कि हमारा परिवार एक हो जाए? कितने लोग चाहते हैं कि हमारे परिवार में रोज प्रार्थना हुआ करे? कितने लोग चाहते हैं कि हमारे परिवार में सारे के सारे उद्धार पाए? तो आज यही तो वचन है कि आज हो सकता है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकते हैं, या निराशाएं में हैं, या आप अपने हस्बैंड को लेकर परेशान है कि मेरा हस्बैंड प्रार्थना नहीं करता, परमेश्वर में अभी तक नहीं आया है, यीशु मसीह में अभी तक नहीं आया है। हो सकता है एक हस्बैंड अपनी वाइफ को लेकर परेशान है, ये तो बात ही नहीं मानती, ये तो प्रार्थना भी नहीं करती है। और हस्बैंड, कई हस्बैंड तो ऐसे जो अपनी वाइफ को लेकर इतना ज़्यादा परेशान है कि उनकी वाइफ प्रार्थना तो दूर की बात है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं उठाती घर का, अपने बच्चों को भी नहीं देखती है। ये सब ये जो बेसिक चीज़ें हैं, यदि ये बेसिक चीज़ें आपके लाइफ में डावा डोल हैं तो आपको आप प्रभु में नहीं बढ़ सकते हो। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। कई हस्बैंड इतना ज़्यादा टेंशन में अपनी वाइफ को लेके कि ये कुछ भी नहीं करती है, मेरी केयर भी नहीं करती है, कोई चीज़ों को ध्यान भी नहीं देती है, पर कई आज वाइफ परेशान है अपने हस्बैंड को लेकर। कितने लोग चाहते हैं कि सब आपके लाइफ में, आपके परिवार में सब कुछ सही हो जाए? कितने लोग चाहते हैं आपका घर बार, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपके मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, आपके बच्चे, हर चीज़ें एक सचमुच में सिस्टम में आ जाए, सुपर ब्लेस्ड हो जाए, हालेलुया, और परमेश्वर का अनुग्रह आप पर छाया रहे, ठहरा रहे, वो भी
अभिषेक ठहरा रहे ईश्वर के सामर्थ्य नाम है आपके लाइफ में आनंदित वाला जीवन। तो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, आज आपके लाइफ को प्रभु प्रकाशित करने वाला है, सिर्फ परमेश्वर उनके लाइफ को प्रकाशित करने वाला, जो आज हम सुनेंगे और देखेंगे कि क्या होगा, किस तरह से आएगा, किस तरह से बदलेगा, किस तरह से आपकी वाइफ बदलेगी, किस तरह से आपका हस्बैंड बदलेगा, किस तरह से आपका परिवार बदलेगा। तो आज की वचन प्रार्थना को आज जानने के लिए कि सब कुछ कैसे चेंज होगा, सब कुछ कैसे बदलेगा, आइए अपने हाथों को उठाए पहले स्वर्ग की ओर, उसके बाद वचन में जाएंगे। बोलो परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, आज एक नया मंथ दिया। बोलो परमेश्वर अक्टूबर मंथ के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कर। सभी जनों ने हाथ उठाना है स्वर्ग की ओर और परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें। थैंक यू जीसस बोलते हुए, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हुए, अक्टूबर मंथ ब्लेसिंग मंथ, जो अक्टूबर मंथ है परमेश्वर आपके अक्टूबर मंथ को सुपर ब्लेस्ड करे, सब कुछ बदलता जाए, सुपर ब्लेस्ड होकर बदल जाए, एक बड़ी अनॉइंटिंग आए और आप प्लस में जाए और ब्लेसिंग में जाए, आपकी ब्लेसिंग प्लस होते जाए, आपका छुटकारा प्लस होता जाए, वो अनुग्रह प्लस होता जाए ईश्वर के सामर्थ्य नाम में, सब कुछ अनुग्रह से भरता जाए ईश्वर के सामर्थ्य नाम में, और आपके लाइफ में किसी बलि वस्तु की कमी घटी ना रहेगी ईश्वर के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, सब कुछ सुपर ब्लेस्ड होने जा रहा है ईश्वर मसीह के सामर्थ्य 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 नाम में। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। प्रभु दयालु और करुणानिधान पिता परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपके बंधन, आज आपका हर छुटकारा होने वाला है। कई लोग प्रार्थना नहीं कर पा रहे या नहीं सुनना चाहते, बोलते नहीं मुझे नहीं सुनना, अरे दुष्ट आत्मा रोक रहा उन्हें। मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा इसी वक्त शुद्ध कर, इसी वक्त परमेश्वर का आत्मा टच होली स्पिरिट, और इसी वक्त आप प्रार्थना करने बैठे ईश्वर के सामर्थ्य नाम में, इसी वक्त सुनने के लिए तैयार हो जाए ईश्वर के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया हरे जिद्दी आत्मा दीजिए परमेश्वर पिता, अभिषेक दीजिए परमेश्वर पिता, इनके लाइफ में परमेश्वर सब कुछ सुपर ब्लेस्ड होकर बदलने के लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, सब कुछ आनंदित होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, सब कुछ सुपर ब्लेस्ड होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और इनकी लाइफ पहले जैसे कभी ना रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमेन हालेलुया। तो कितने लोग एक्साइटेड हैं आज की वचन को सुनने के लिए, जल्दी से बताइए, कमेंट कर बताइए कितने लोग एक्साइटेड हैं। तो आइए आज हम सुबह के समय में आज परमेश्वर के खास वचन को, जो आज इस नए मंथ में जो प्रभु लेकर आया है और इस मंथ के लिए जो प्रभु ने खास वचन प्रभु ने दिया है, तो आइए आज हम परमेश्वर के उस खास वचन को पढ़ेंगे, जो वचन जो प्रभु ने आपके लिए दिया है। आमेन हालेलुया। नीति वचन 4 अध्याय और उसका 18 वचन को पढ़ेंगे, और हम इस वचन को साथ ही इंग्लिश में भी पढ़ेंगे। हालेलुया। तो पहले हम इंग्लिश में पढ़ेंगे, उसके बाद हम हिंदी में पढ़ेंगे। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, थैंक यू जीसस। बट द पैथ ऑफ द जस्ट इज एज द शाइनिंग लाइट दैट शाइनेथ मोर एंड मोर अनटू द परफेक्ट डे। हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड, थैंक यू जीसस। क्या लिखा है यहाँ पर, अब हम देखेंगे, बट द पैथ ऑफ द जस्ट लाइक सन द शाइनिंग एवर ब्राइटर दैट शाइन्स अंटू द परफेक्ट डे। हालेलुया। एक और हम ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे, द पैथ ऑफ द राइटियस इज लाइक द मॉर्निंग सन शाइनिंग एवर ब्राइटर टिल द फुल लाइट ऑफ द डे। हालेलुया, हिंदी में पढ़ेंगे हम, परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। बोलो वो प्रकाश दोपहर से, कितने लोग सन को देख सकते हैं, सूर्य को देख सकते, कोई ऐसा है बताओ मुझे, नहीं देखने वाले कितने लोग हैं। नो, यदि जो नहीं देख सकते अपनी आंखों को उठाकर वो नो लिखो, और जो देख सकते हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं तो खुद ही सन को नहीं देख सकती, मैं इतना आंखों को उठाकर, इतनी कड़कती धूप, इतना सन, जो प्रभु का क्रिएशन, इतना शाइनिंग है। सोचो प्रभु आज आपको कितना शाइन करना चाहता है, कितना आपको अपने प्रकाश से, सन से भी ज्यादा लिखा है, मोर एंड मोर लिखा है, उससे भी ज्यादा ब्राइटर, आपको सन से भी ज्यादा लाइक क्या लिखा है, सन बट मोर एंड मोर, प्रभु उससे भी ज्यादा आपको शाइन करना चाहता है। और जो आज का वचन है, जो आपको बता रही हूं मैं, जो शाइन की जो बात की जा रही है, जब एक आम विश्वासी के जीवन में, एक आम व्यक्ति के जीवन में जब वो परमेश्वर के प्रकाश चमकती है,
तो मैं आपको बताना चाहती, जैसे मूसा जब परमेश्वर के सम्मुख में गया था तो मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में रहने की वजह से 40 दिन और 40 रात उसके चेहरे से सन से भी ज्यादा किरणें निकल रही थी, और जब किरणें निकल रही थी तो सब लोग डर गए, सब घबरा गए। ओ हालेलुया, सारे डर गए इसराइली, क्योंकि उन्होंने पाप किया था, कि उन्होंने से गलती हुई थी। मैं आपको बताना चाहती हूँ, कितने लोग चाहते हैं शैतान को हराना अपनी लाइफ से, कितने लोग डिफीट करना चाहते हैं, कितने लोग उस शैतान के कामों से आजाद होना चाहते हैं और उसे हराना चाहते हैं। बीमारी को कितने लोग हराना चाहते हैं, उस दुष्ट से कितने लोग आजाद होना चाहते हैं जो बार बार आप पर अटैक कर रहे हैं। कभी आपके जॉब पर अटैक करता है, कभी आपके परिवार पर अटैक करता है, कभी आपके बच्चों पर अटैक करता है, कभी आपके जॉब पर अटैक करता है, कभी आपके बिजनेस पर अटैक करता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो उसका सॉल्यूशन ये है, परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। तो मूसा के फेस से लाइटनिंग हो रही थी, वो चमक रहा था, रेडियंट, परमेश्वर के साथ रहने की वजह से, बात करने की वजह से, प्रभु के साथ मेल मिलाप रखने की वजह से, प्रभु के पीछे चलने की वजह से, उसकी आज्ञा का पालन करने की वजह से वो शाइन कर रहा था, वो चमक रहा था, और सारे डर कर थर थर कांप रहे थे। हालेलुया। द पाथ ऑफ द राइटियस इज लाइक द मॉर्निंग सन शाइनिंग एवर ब्राइटर टिल द फुल लाइट ऑफ डे। जिसका प्रकाश क्या होता है, शाइनिंग एवर ब्राइटर। आमेन। वो कैसे होगा, वो चमकते ही जाएगा, वो चमकते ही जाएगा, वो चमकते ही जाएगा। परमेश्वर तो आपको देखो कितना उजाला से भरना चाहता है। उसका जो धर्मी का जो मार्ग कैसा है, वो सुबह के सूर्य है ना, उस समान है जो दिन के, जैसे कि पूरा दोपहर को कैसे प्रकाश होती है, वो परमेश्वर का वचन कहता है वो ऐसे ही चमकते रहेंगे। लेकिन दुष्टों के बारे में बाइबल कहती है, जो दुष्ट है मतलब एक विश्वासी अविश्वासी बन जाता है, अनाज्ञाकारिता करके अविश्वासी बन जाता है। परंतु दुष्टों का मार्ग घोर अंधकार के समान है, वे नहीं जानते कि कौन सी चीजें उन्हें ठोकर खिलाती हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के साथ वो समझ में नहीं आता कि मैं किस चीज से ठोकर खा रहा हूँ, और वो माइनस में जा रहे हैं। लेकिन प्रभु का वचन ये कहता है अब सन से भी ज्यादा चमकोगे। तो आज का जो वचन है आपके लाइफ के लिए है, आपके बच्चों के लिए है, आपके परिवार के लिए है, तो आज आपको कुछ समझना होगा। यदि आप चाहते हैं आपका पति बदले, आप चाहते हैं आपकी वाइफ बदले, आप चाहते हैं आपकी जॉब की जो सिचुएशन आज चल रही इतनी प्रॉब्लम से भरी हुई, आप चाहते हैं बदल जाए और शाइनेट हो जाए, सब कुछ बदल जाए, आप चाहते हैं आपका बिजनेस ग्रो अप करे डे बाई डे, कस्टमर की लाइन लगे, आप चाहते हैं आपका परिवार एक हो जाए, आप चाहते सारे उद्धार पाए, तो उसके लिए प्रभु का वचन कहता है तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। परमेश्वर कहता है फर्स्ट यू हैव टू वर्क आउट इन योर लाइफ। पहले आपको अपने जीवन में कार्य करना पड़ेगा। अपने जीवन में क्या कार्य करना होगा आपको, हालेलुया, अपने लाइफ को चेक करो, देखो क्या आप सचमुच में परमेश्वर की आज्ञाओं में चल रहे हैं, क्या उस पवित्रता के भागी हैं जैसा परमेश्वर ने पुराना नियम में मूसा को प्रभु बार बार कहता था, कह दे इन्हें कि मेरे लिए तुम पवित्र बने रहना, पवित्र बने रहना, पवित्र बने रहना। और जब हम देखते हैं पुराना नियम में तो मूसा ही था अकेला जो प्रभु की आज्ञाओं को मानता था, सिर्फ वही था। तभी मूसा परमेश्वर के, तभी परमेश्वर ने मूसा को सीनाय पर्वत पर बुलाया और उससे 40 दिन 40 तक रहा और बातें की, प्रेजेंस, परमेश्वर की प्रेजेंस में चलता और फिरता था। आज यदि आप प्रभु की प्रेजेंस में नहीं है या चल फिर नहीं रहे हैं, इसलिए इसलिए क्या हो रहा है, डिफिकल्टी हो रही है आपके लाइफ में, डिफिकल्टी हो रही है, प्रॉब्लम्स हो रही है, इसलिए क्योंकि आप शाइन, आप शाइनिंग नहीं कर रहे हो, वचन से ही प्रकाशित हो गया। मान लो कि आपको वचन मिल गया है कि पवित्र बने रहो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, अब आपको पता है कि मुझे पवित्र बने रहना है, लेकिन आपने तो परमेश्वर के वचन को पूरा ही नहीं करना चाहते, पवित्रता ही में चलना ही नहीं चाहते हो। आज देखने के आप पता नहीं क्या देख रहे हो, पता नहीं आप क्या कर रहे हो, आप भूल गए परमेश्वर के वचन को। हालेलुया। जब आपको फिल्मी गाना भी सुन लेते हो तो आप अपवित्र अशुद्ध हो जाते हो, क्योंकि वहां पर स्वर्गदूत नहीं आएंगे, वहां पर स्वर्गदूत बिल्कुल आकर्षित नहीं होते हैं, जैसा कि सुबह की प्रार्थना को बताया गया है। कैसे शाइन करोगे आप, कैसे चमकोगे आप, आपको लगता है कि ये मेरी नीड है, मेरे ये है, मेरा वो है, जो मर्जी हो जाए, आप शाइन नहीं करोगे आप, क्योंकि अब कुछ कोई और आकर्षित हो रहा आपकी उन चीजों में, आपका कंट्रोल नहीं है आपके मोबाइल देखने में, कौन क्या किसको आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, क्या दुष्ट की पावर को, क्या उस शैतान की शक्ति को अट्रैक्ट कर रहे हो,
कैसे शाइन करोगे आप? लेकिन मूसा जो था वो परमेश्वर की आज्ञा को माना और चला, तब क्या हुआ? तब क्या हुआ? किरणें चमकने लगी। परमेश्वर के प्रेजेंस में चलता था और उसे पता था कि मुझे प्रभु की मर्जी करना है तो करना है, चाहे जो मर्जी, चाहे कितना भी दुख आए, चाहे कितना भी तकलीफ हो, चाहे कुछ मिले या ना मिले, मेरा पहला मकसद है प्रभु की इच्छा में रहना और प्रभु की इच्छा में रहकर उसकी सारी मर्जी को पूरा करना। तभी सिर्फ मूसा ही था अकेला सिर्फ जो परमेश्वर को क्या की बातों को सुन सका, आमना सामना कर सका, परमेश्वर की उपस्थिति में रह सका। इतनी बड़ी ब्लेसिंग उसे प्रभु ने दी। मूसा को देख के लोग डरते थे क्योंकि प्रभु उनके साथ था। कितने लोग चाहते हैं, मैं आपको सच बता रही हूँ, यदि आप चाहते हो आपका काम सक्सेसफुल हो, यदि प्रभु आपके साथ नहीं तो सक्सेसफुल कैसे होगा? प्रभु आपके साथ ही नहीं है, क्योंकि साथ जो जिन चीजों के से परमेश्वर साथ रहता है, आप क्या कर रहे हो? उन चीजों को दूर कर रहे हो, उन वचनों को ही दूर कर रहे हो। आपके लाइफ में कोई बाइबल रीडिंग नहीं है, आपके लाइफ में कोई प्रार्थना नहीं है, कोई वचन नहीं है, कैसे स्वर्गदूत आएंगे? कैसे आप सन से भी ज्यादा प्रकाशित हो गए? इसलिए शैतान आज आपसे डरता नहीं है, इसलिए उद्धार नहीं मिल रहा है, इसलिए आप बोलते हो तू बदल जा, लेकिन वो तो और नहीं बदलता, वो तो और टेढ़ा हो रहा है, क्योंकि आप नहीं बदल रहे हो, इसलिए कुछ भी नहीं बदल रहा है। इसलिए आज आपको, मूसा तो सबको समझाता था, वो बदलते ही नहीं थे, लेकिन मूसा चलता गया और बदलता गया, चलता गया, बदलता गया, चलता गया, बदलता गया। और शैतान, हर एक पापी चीजें, हर एक ऐसी चीजें, हर एक सब डरने लगी मूसा से। यदि आप आज परमेश्वर के वचनों को लेने के लिए तैयार हो, ग्रहण करने के लिए तैयार हो, तो आप शाइन करोगे। अब देखो, हिब्रू की बाइबल में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर एक वचन को जब हम देखते हैं, तो वहां पर हम देखते हैं हालेलुया, जैसा कि यहाँ पर लिखा है, बट द पाथ ऑफ द जस्ट लाइट एज द शाइनिंग मोर एंड मोर दैट शाइन्स। हालेलुया, यहाँ पर हम देखते हैं शाइन्स के, लाइट के बारे में। हालेलुया, क्या लिखा है लाइट के बारे में? हम देखेंगे उस वचन को, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, और ओ डब्ल्यू आर, इसका जो नंबर है H215। तो यहाँ पर लिखा है कि आप अपने जीवन में, कि आपके हर एक क्षेत्र में रोशनी चमकेगी, सन स्टार एंड लाइक अ मून। जैसे कि डे लाइट में लाइट कैसा होता है, जब बिजली चमकती है तो कैसी बिजली चमकती है? आपके आपके जीवन में वो ज्योति चमकेगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी, सब कुछ सुपर ब्लेस्ड होगा, आप शाइन करोगे, चमकोगे, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। आमेन। प्रभु यीशु मसीह की, तो आपके जीवन के हर एक क्षेत्रों में आप शाइन करोगे, आप चमकोगे, और आपके लाइफ बिल्कुल भी सेम नहीं रहेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कितने को समझ में आ रहा है? हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। इसका मतलब है रेडिएशन ऑफ आवर फ्रीक्वेंसी परसीवेबल टू द आईज। हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड, थैंक यू जीसस। लाइट का मतलब हम देखते हैं कि रेडिएशन, किस तरह से चमकोगे? अद्भुत चमक। जब आप प्रभु के जितने करीब आओगे, अद्भुत चमक, अद्भुत। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। और जब लाइट आएगी तो आपके लाइफ में सब क्षेत्रों में लाइटनिंग होनी शुरू होगी, ब्लेस्ड होने शुरू हो जाओगे। पर लाइटनिंग होने के लिए, जब हम हिब्रू बाइबल में जब हम पढ़ते, तो वहां पर लिखा है, हम पढ़ेंगे एक और वचन, उत्पत्ति की किताब और उसका पहला अध्याय, और हम वहां पर देखते हैं कि देखो यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है, हालेलुया, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया, और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। परमेश्वर ने उजियाले को दिन कहा और अंधियारे को रात कहा। तो रात दुख को दिखाता है और उजियाला सुख और शांति और चैन और शांति को दिखाता है। बट आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे कि हम प्रभु के वचन को देखते हैं, आपको अंधियारे से अलग होना पड़ेगा, लगातार प्रभु के पीछे चलना है, अंधियारे से आपको अलग रहना है, डार्कनेस वाली लाइफ से अलग रहना है। मान लो कि आप एक थोड़ा सा नशा करते हो, थोड़ा सा आप शाइन नहीं कर सकते। हाँ, आप विश्वासी हो, आप प्रार्थना भी करते हो, प्रभु आपके सुन भी रहा हो सकता है, लेकिन उस तरह से आप शाइन नहीं कर सकते, और शैतान नहीं डरेगा आपसे। मान लो कि आप गालियां निकालते हो, तो अभी तक इसका मतलब है अंधियारा आपके लाइफ का भी अभी भी हिस्सा बना हुआ है। अभी भी आप सोशल मीडिया या गलत चीजों को आप देख रहे हो, कोई ऐसी गलत वीडियो को देखते हो, आज भी आप पिक्चर देखते हो, आज भी फिल्मी गाना सुनते हो, इसका मतलब ये है कि आप अभी भी अंधियारे से अलग नहीं हुए हो।
लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक से अधिक बढ़ता रहे, उनका ही बढ़ेगा प्रकाश, उनके लाइफ में प्लस 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 रोशनी होगी, प्लस प्लस होगा। जब वो कुरंथियों की किताब में जब 6 अध्याय और उसका 14 वचन में पढ़ते हैं, जब उस वचन को फॉलो करते हैं, हालेलुया, जैसा कि यहाँ पर लिखा है, मैं इसे पढ़ूंगी आपके लिए, 2 कुरिन्थियों 6:14, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल है। अभी तक आपने सीखा नहीं कि अंधियारे से मुझे दूर रहना है। अब अंधियारा मेरे जीवन का हिस्सा नहीं हो सकता, वो नशा मेरे जीवन का हिस्सा नहीं हो सकता, वो मंजन के तौर पर नशा होगा। अभी भी आप नशा में हैं, अभी भी आप झूठ बोल रहे हैं, अपने बिजनेस में झूठ बोल के कमा रहे हैं, दैट मीन्स अभी भी अंधियारा आपके जीवन का हिस्सा बना हुआ है। सोचो आप कितने परसेंट वाले विश्वासी हो। फिर यदि अभी भी अंधियारा आपका हिस्सा है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि प्रभु ये भी दे दे, प्रभु ये भी कर दे, प्रभु वो भी कर दे, प्रभु ये भी कर दे। प्रभु तो करने के लिए तैयार है, बट आप अंधियारे से अलग होने के लिए नहीं तैयार हो, आप अंधियारों को छोड़ने के लिए भी नहीं तैयार हो। फिर कैसे वो जब फिर कैसे आप रोशन करोगे, कैसे आप प्रकाशित होगे, कैसे आप प्लस 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 में जाओगे, ब्लेसिंग में जाओगे? आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको प्रभु से अनुग्रह मांगना पड़ेगा। यदि नहीं छोड़ पा रहे, अनुग्रह मांगना है, फास्टिंग करना है, प्रभु से कहना है, आपको 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे भी क्यों ना बैठना पड़े, या पूरी रात भी क्यों ना बैठना पड़े, प्रार्थना में या पूरे दिन भी क्यों ना बैठना पड़े, उस अंधियारे से अलग होने के लिए आपको बैठना पड़ेगा, उस नशे से आजाद होने के लिए। क्योंकि एक व्यक्ति को यदि प्रभु से प्रेम है, तो वो जरूर प्रार्थना करेगा, वो बैठेगा उस अंधियारे से अलग होने के लिए। दुष्ट आत्मा इतना अटैक कर रहे हैं और आपके लाइफ में कोई प्रार्थना नहीं, आपको क्या लगता है? आपने अंधियारों को तो छोड़ा ही नहीं है, अभी भी अंधियारा आपके लाइफ का एक पार्ट बना हुआ है, तो फिर कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये मुझे मिल जाए, ये भी बदल जाए, ये भी सही हो जाए, ये जॉब भी मिल जाए, प्रभु मुझे गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस करते, मुझे बेबी के साथ ब्लेस करते, जो मेरे रास्ते को खोल दे, जबकि अभी भी आपके लाइफ में वो अंधियारा है। अभी भी आप चर्च नहीं जाते हो, अभी भी आप प्रार्थना नहीं करते हो, अभी भी आपके लाइफ में इतनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग और वहमी वाला जीवन जी रहे हो, अभी भी आप पहला स्थान परमेश्वर को नहीं दे रहे हो, अभी भी आप रिश्तेदारों को दे रहे हो, अभी भी आपकी लाइफ में इतनी सारी खींचा तानी है, हर आपको समझ में नहीं आ रहा कुछ भी चीजें। देखो वचन साफ साफ कहता है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक से अधिक उनका ही बढ़ेगा। जो उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय को जैसे हमने देखा, परमेश्वर ने उजालों को अंधियारे से अलग कर दिया, तभी तो शाइन करता है, तभी शाइन करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अलग होना पड़ेगा। इब्रू बाइबल में देखते हुए कि वो बैक नहीं करते, फिर वो जब उजाला में एक व्यक्ति आता है, यदि वो बैक करेगा, पीछे फिर से जाएगा, अंधियारा उसके लाइफ में अंधियारा फिर से आ जाएगी। इब्रानी की बाइबल में हम पढ़ते हैं, इसका रियल मीनिंग को पढ़ते हैं, यदि वो उजाला में आ जाए, प्लस में जा रहा है, लेकिन फिर से वो बैक करता है, फिर से वो पीछे की बातों को देखता है, फिर से वो पास्ट की बातों को देखता है, फिर से वो उनके साथ संगति करता है, उन लोगों के साथ करता है जो आज वो अंधियारा में है, जो चर्च नहीं जाते, जो जीवी चर्च का हिस्सा नहीं, जिनके लाइफ में प्रेयर नहीं है, जो आज झूठ का सहारा लेते हैं, जो बहाने बाजे, वो जो उनके लाइफ में, उनके जीवन में जब उनके साथ वो रहते हैं, यदि आप बैक कर रहे हो तो आप माइनस में जा रहे हो, वो रोशनी आपकी माइनस हो रही है। हालेलुया, फिर कैसे चमकोगे? क्योंकि अभी भी अंधियारा आपके लाइफ का हिस्सा बना हुआ है। आपको उससे अलग होना पड़ेगा, जो उत्पत्ति की किताब के अनुसार जैसा कहता है, प्रभु ने उजाले को क्या किया, अंधियारे से अलग कर दिया। प्रभु यही तो कह रहा है कि अंधियारों को प्रभु कहता है आपको अलग कर होना पड़ेगा, उन चीजों से सेपरेट लाइफ जीना पड़ेगा, अलगदायक जीवन जीना पड़ेगा, तब आप शाइन करोगे और प्लस प्लस में जाओगे, तब सुपर ब्लेस्ड होगे। तो मूसा प्लस में इसलिए जा रहा था, और देखो मूसा और इजराइली, मूसा परमेश्वर मूसा से बात करता है, इंस्ट्रक्शन मिलता था, इंस्ट्रक्शन को सबसे ज्यादा कौन फॉलो करता था? मोसेस करता था, और इजराइली स्वार्थ के अकॉर्डिंगली थे। आज विश्वासी भी ऐसे हैं, चंगाई तक वो चर्च में आएंगे, छुटकारा चाहिए तब तक चर्च में आएंगे, जिस दिन छुटकारा मिलना बंद हो गया चर्च छोड़ देंगे, जिस दिन उनकी ब्लेसिंग बंद हो गई चर्च छोड़ देंगे। आप माइनस में जा रहे, आपको समझ में नहीं आ रहा है। हालेलुया, आपको अंधियारे से अलग होना पड़ेगा, उन चीजों से अलग होना पड़ेगा। जिस चर्च में, जिस जगह पे, जिस स्थान पे, जो जगह पे प्रभु ने आपको रखा है, उस स्थान पे आपको रहना, प्रभु के पीछे चलना है और सेवकाई करना है, और तब देखो शैतान को कैसे आग लगती है, तब देखो कैसे काम होते हैं। आज हर एक विश्वासी को सेवकाई में आने की जरूरत है। सेवकाई का मतलब ये नहीं कि पास्टर बन जाओ, सेवकाई का मतलब ये होता है चर्च में परमेश्वर के जो भी छोटा, जो भी जैसा भी काम है, आपको उसमें हाथ बटाना और काम करना है, ताकि आप सुपर ब्लेस्ड हो और आपका प्रकाश डबल होता जाए,
जब सेवा करते हो प्रभु के चर्च में, चाहे झाड़ू का, चाहे बर्तन का हो, चाहे इवेंजेलिज्म का हो, जब आप करते हो तो आपकी ब्लेसिंग प्लस होती जाती है। आपको भले आज दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन आने वाला समय आपका फ्यूचर सुपर ब्लेस्ड होने वाला है, जो आज आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, लेकिन ऐसा समय आएगा और आप याद करोगे आज के टाइम को कि मैंने मेहनत की है प्रभु में, उस अंधियारे को अपने जीवन का हिस्सा नहीं होने दिया, मैं किसी और की बातों में नहीं फंसा, मैं किसी और की बातों में नहीं गई हूँ, इसलिए मेरी लाइफ सुपर ब्लेस्ड होगी। मैं प्लस में जा रही हूँ, मैं प्लस में जा रहा हूँ, मेरा अभिषेक, मेरा सब कुछ प्लस में जा रहा है। आज हो सकता है शरीर में दुख सह रहे हैं, लेकिन आपने जीसस को नहीं छोड़ा है, सेवकाई को नहीं छोड़ा है, प्रभु के पीछे चलना नहीं छोड़ा है, और आप बैक गियर नहीं कर रहे, आप बैक नहीं मार रहे हो, तो इसका मतलब आप प्लस में जा रहे हो। और जिस तरह से मूसा के ऊपर परमेश्वर की किरणें रोशनी चमकी, और वही रोशनी आज आप पर भी चमकने वाली यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। इसलिए जब यूहन्ना रचित सुसमाचार हम पढ़ते वहां लिखा है 8:12, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। वो अंधकार में नहीं चलेगा जो प्रॉपरली यीशु के पीछे हो लेगा, मतलब जो उसके वचन को समझेगा और आज्ञाकारिता में रहेगा, अधीनगी में रहेगा, फिर वो अंधेरे में नहीं चलेगा। जहाँ वचन घटा, जहाँ पर आप परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता में आए, वचन की अनाज्ञाकारिता में आए, तो वहां पर आपका एक कदम फिर किसकी ओर बढ़ जाता है? अंधियारी की ओर बढ़ जाता है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए हर एक जन को आज परमेश्वर का वचन समझना होगा। यदि आप चाहते हो कि आपकी सब कुछ बदल जाए, आप चाहते हो सब कुछ सुपर ब्लेस्ड हो जाए, आपका जॉब भी चले, आपका काम सुपर ब्लेस्ड, आपका काम भी बना रहे, आप कितने लोग चाहते हैं? मुझे पता है बहुत सब कुछ चाहते हैं अपने लाइफ में, बीमारी चले जाए, बीमारी न रहे। तो आपको आज समझना होगा, आपको अंधियारे से अलग होना होगा, आपको सेपरेट लाइफ उन चीजों से अलग होना पड़ेगा, मतलब उनकी बातों से। यदि वो गालियां दे रहे हैं, यदि आपकी आप हस्बैंड वाइफ अपने घर में है, यदि आपकी वाइफ गालियां निकाल रही, तो आपने गाली नहीं निकालना, एंड दैट इज अ सेपरेट लाइफ। हालेलुया। यदि आपको इतना कुछ कह रहे हैं और आप नहीं कह रहे हैं, तो दैट इज अ सेपरेट लाइफ, और यू आर गोइंग टू इन प्लस प्लस प्लस। हालेलुया, मतलब आपका जो प्रकाश है, जो लाइट है, वो सब कुछ प्लस में जाएगा। और जब आपकी किरणें, आपकी रोशनी जितनी बढ़ेगी, प्रार्थना में बढ़ेगी, वचन को पढ़ने से बढ़ेगी, वचन को फॉलो करने से बढ़ेगी, हालेलुया, परमेश्वर के साथ संगति करने से बढ़ेगी, जीवित चर्च में आने से बढ़ेगी, सेवा करने से तो और ज्यादा बढ़ती है, तो वो ऑटोमेटिक वो सामने वाला चेंज होगा, ऑटोमेटिक सब कुछ बदलेगा, ऑटोमेटिक सब कुछ सही होता जाएगा। आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने मुंह को बंद करके रखा है, आपने कोई इस तरह की चीजें नहीं कही हैं, और अंधियारे में आपने शामिल नहीं हुए हैं, उनकी बातों में अटैच्ड नहीं हुए हैं। आपको अपनी कॉलिंग का पता है, अपने बारे में पता है कि नहीं, आपको परमेश्वर के वचन का पता है कि मुझे क्या करना है। अब मैं अंधियारे को अपने जीवन से दूर हटा दिया कर लिया है। अब मैं फिर से नशे में नहीं जा सकती, नहीं जा सकता, अब फिर से उन संगति में नहीं बैठ सकती, और ऐसे भाइयों के साथ मैं नहीं रह सकता जो 5% है, जो 10% है, जो अपनी कॉलिंग को भूलकर बैठे हैं, नहीं मिल सकता मैं ऐसे लोगों से। हालेलुया। क्योंकि यदि मैं फिर से बैक गियर मारूंगा, पीछे जाऊंगा, तो मेरा ही नुकसान होगा। यदि एक विश्वासी इस बातों को समझेगा, तो उस प्रकाश से प्रकाशित होने के लिए तैयार हो जाओ जो प्रभु आपके ऊपर उंडेलना चाहता है। जितना प्रकाश बढ़ेगा, शैतान को उतनी आग लगेगी। जितना आप शाइन करोगे, चमकोगे, जितना परमेश्वर में बढ़ोगे, उतना ही आप परमेश्वर में आगे जाने वाले हो। आपकी सिचुएशन बदलने जा रही है, आपके बच्चे आपकी बात मानना शुरू हो जाएंगे, आपका हस्बैंड ऑटोमेटिक बदलना शुरू हो जाएगा, आपकी वाइफ ऑटोमेटिक बदलना शुरू हो जाएगी। मान लो कि आपका हस्बैंड छोड़ दे और आप चाहते हो कि आपका हस्बैंड आपको लेकर आए, तो जितना आप प्रार्थना में, जितना लाइट में जा रहे हो, जितना आप कर रहे हो सकता है आपका हस्बैंड बहुत सारी चीजों को कर रहा है, आपके खिलाफ कर रहा है, लेकिन आप कभी भी ऐसा नहीं कर रहे, तो आप देखोगे आप प्लस में जाओगे। वो जितना मसा, जितना विशेष प्रकाश बढ़ेगा, उतना ही वो प्रकाश उसको टच करेगी और वो चेंज हो जाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। इसलिए इस अक्टूबर मंथ में परमेश्वर आपको प्रकाश से, अपने प्रकाश से आपको प्रकाशित करने जा रहा है। क्योंकि धर्मियों की चाल, जब एक धर्मी व्यक्ति जब समझता है कि मुझे अंधियारा से सेपरेट रहना है, मुझे अलग रहना है, क्योंकि मैं अपने टाइम को वेस्ट नहीं कर सकता, दोबारा फिर से वो चीजों को नहीं कर सकता, और तभी डीले होता है, तो भी वो चमकेगा ज्योति के समान, लाइक अ सन से भी ज्यादा, मोर एंड मोर लिखा है।
इंग्लिश की बाइबल में और हिब्रू की बाइबल में, हिब्रू में स्पष्टता के साथ लिखा हुआ है कि जब वो बैक कर होता है तो फिर अंधियारा आना शुरू हो जाता है। इसलिए हर एक विश्वासी को लगातार प्रभु में रहना है, प्रभु के पीछे चलना है, अपने हिस्ट्री और रिकॉर्ड बनाना है कि मेरा हर एक दिन यीशु मसीह के लिए है, मेरा हर एक समय परमेश्वर के लिए है। या फिर आप जॉब में हो या फिर बिजनेस में हो, तब भी आप परमेश्वर में रहना है, ताकि झूठ को कोई आपने अलाउ नहीं करना है, गलत चीज़ों को अलाउ नहीं करना, अपने लाइफ का हिस्सा नहीं बनने देना है। हाले चाहे आपको सच्चाई में चलने से हानि उठाना क्यों ना पड़े, लेकिन एक समय आएगा, हो सकता है आपके बॉस ने आपको जॉब से निकाल दिया क्योंकि आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, हो सकता है आपकी सैलरी को कम कर दिया है क्योंकि आप उनके झूठ में साथ नहीं दे रहे हैं, पर आने वाला समय वही बॉस कहेगा, मैं तुझे जान गया हूँ कि तू इन सब कामों में खराईपन दिखा रहा है, तो इसका मतलब तू मेरे ऑफिस के लिए, मेरे काम के लिए, मेरे बिजनेस के लिए सूटेबल है, क्योंकि तूने अपनी खराई को दिखाया। और इस तरह से आपका बॉस, आपका मैनेजर जो भी, वो बदल जाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम, और आपको प्रमोशन मिलेगी, सुपर ब्लेस होंगे। हो सकता है आपको 15 दिन के लिए फायर कर दिया गया क्योंकि आपने उनके झूठ में साथ नहीं दिया, लेकिन सब कुछ बाजी मारने वाला है, सब कुछ सही होने वाला आपके लाइफ में, और आप प्रमोटेड किए जाएंगे विद ग्रेट सैलरी के साथ, या फिर वहां से निकाल दिए गए, कोई बात नहीं, प्रभु को बेस्ट सैलरी के साथ परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, जबरदस्त रीति से, क्योंकि आपने झूठ का साथ नहीं दिया है, आपने उन फिल्मी गानों को अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनाया है। कई लोग कहते हैं बिजनेस में फिल्मी गाना चलाना पड़ता है, लेकिन वो माइनस में जा रहे हैं, अंधियारे को पसंद कर रहे हैं वो, क्योंकि अपने जीवन का आधार जीसस को नहीं माना अभी भी। आप अंधियारे के काम में आप अटैच्ड हो रहे हैं, संलग्न हो रहे हो। हालेलुया, तो स्वर्गदूत वहां पर नहीं आते हैं, वो अट्रैक्ट नहीं होंगे। हालेलुया, आपको सच्चाई में चलने के लिए, प्रभु के पीछे चलने के लिए टोटली जीवन सरेंडर करना पड़ेगा। जैसे हम इतनी सारी बिजनेस के बड़े बड़े बिजनेसमैन के टेस्टिमनी को सुनते और देखते हैं कि किस तरह से वो सुपर ब्लेस्ड हैं आज, किस तरह से हालेलुया वो चमकते ही जा रहे हैं, वो शाइन करते ही जा रहे हैं, वो चमक, उनको परवाह नहीं है, उनको कोई परवाह नहीं बिजनेस की, पर उनको ये परवाह है कि मेरा स्पिरिचुअल लाइफ सुपर ब्लेस्ड होना चाहिए। मैं माइनस में नहीं जा सकता, मैं बैक गियर नहीं लगा सकता, मैं पीछे नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे तो चाहिए परमेश्वर की रोशनी। जब परमेश्वर की रोशनी एक विश्वासी के अंदर होगी तो बिजनेस तो ऑटोमेटिक ही चमकना शुरू हो जाएगा, आपका जॉब भी चमकना शुरू हो जाएगा, आप आनंदित के साथ, खुशी के साथ करोगे, आपको फोर्स नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक काम खुलेगा, ऑटोमेटिक काम बनेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, इसलिए हर एक जन तैयार हो जाए। आइए इस अक्टूबर मंथ में जो प्रभु आपको अपने प्रकाश से प्रकाशित करने जा रहा है, तैयार हो जाए उसके अभिषेक को ग्रहण करने के लिए, तैयार हो जाए चमकने के लिए यीशु के सामर्थ्य नाम में, क्योंकि प्रभु आपको अपने शाइन से, आपको अपने चमकाना चाहता, अपने प्रकाश से आपको प्रकाशित करना चाहता, और आपका प्रकाश दोपहर से भी ज्यादा चमकने वाला है यदि आप अपनी कॉलिंग को समझ रहे हैं, यदि आप विश्वासी की परिभाषा को समझ रहे हैं कि एक विश्वासी का जीवन कैसा होना चाहिए। वो दुगला नहीं होना चाहिए, वो नामधारी नहीं होना चाहिए, वो दोनों में पैर रखने वाला नहीं होना चाहिए, वो खरा होना चाहिए, जो अपने बुलाहट के प्रति सिंसियर है, आमेन, जो दोनों में पैर नहीं रखता, जो दोनों पार्टी को खुश नहीं करता है, जो प्रभु के पीछे चलता है, जिसे कहते बिन पेंदी का लोटा, जिसे कहते ना इधर का ना उधर का। आज लोगों की जी विश्वासी के भी जीवन ऐसे, संसार में भी पैर रखेंगे और उधर भी रखेंगे, इसलिए उनके लाइफ माइनस में जाती है, मतलब उनकी जो रोशनी प्रकाश है वो माइनस माइनस हो जाती है। इसलिए कितने को आज समझ में आ रहा है, इसलिए आपको प्रकाश, जितना आप परमेश्वर के वचन में रहोगे, बनोगे, आप उतने ही ज्यादा शाइन करोगे। तो शाइन का मतलब होता है कि परमेश्वर की रोशनी प्रकाश, जितनी रोशनी में बढ़ोगे उतने शैतान को आग लगेगी, तो शैतान आपके जीवन में वार नहीं कर पाएगा, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, आपकी शादी को नहीं तोड़ पाएगा, आपके परिवार को नहीं तोड़ पाएगा, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, आपके जॉब को खत्म नहीं कर पाएगा, आपका काम एकदम से बनना शुरू हो जाएगा, आप परमेश्वर की एक जबरदस्त ग्रेस को लेंगे। हो सकता है इतने सालों के ब्लेसिंग नहीं मिले, लेकिन प्रभु के पीछे चलने की वजह से आप कंसीव करेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में, आप बड़ी गवाहियों को लेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इतने साल से चंगाई नहीं मिली, पर आज के वचन को समझने के बाद चंगाई आपके पीछे भाग कर पड़ने वाली, क्योंकि आप वचन को समझ रहे हैं। आपका बिजनेस जबरदस्त रीति से ग्रो अप करने वाला है, क्योंकि आज के वचन आपको समझ में आ गया। और यदि आप वचन को सुनकर मानकर आप चलने के लिए अपना सब कुछ समर्पण कर रहे हैं, तो सचमुच में वो एक ग्रो करोगे आप यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपको फोर्स नहीं करना पड़ेगा, आपको इस तरह से नहीं करना पड़ेगा, अद्भुत रीति से आप बढ़ोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और आपकी लाइफ कभी भी सेम नहीं रहने वाली यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो कितने लोग तैयार हैं शाइन करने के लिए, चमकने के लिए? आप उद्धार को देखोगे, आप अपने आसपास के जीवन को खुद अपनी आंखों से बदलता हुआ देखोगे, आप देखोगे कि कैसे मैं आपका पति नशा छोड़ रहा है, कैसे अब
आपकी आपका पति आपको रिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया, आपकी वाइफ आपको रिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया, कैसे आपकी वाइफ का जीवन बदल रहा है, कैसे आपके हस्बैंड का जीवन बदल रहा है, कैसे आपके बच्चों का जीवन बदल, जब एक माता पिता अपना जीवन या सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है, प्रभु के पीछे चलना शुरू करते, तो ऑटोमेटिकली उनके बच्चों का भी जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। इसलिए ये हर एक जन तैयार हो जाए, अपने आपको सरेंडर करें, क्योंकि अक्टूबर मंथ में आप शाइन करने जा रहे हो, आपके रास्ते खुलने जा रहे हैं, एक बड़ी गवाही आपका वेट कर रही है, क्योंकि आप प्रकाश से, परमेश्वर के प्रकाश से प्रकाशित होने जा रहे हो, जबकि रास्ते को खोल रही है वही प्रकाश, वही रोशनी आपके रास्ते को खोल रही है, वही परमेश्वर की रोशनी आपके यूट्रस को ब्लेस कर रहा है और बंधन टूट रही है के सामर्थ्य नाम में। कैसी वो रोशनी आपके जॉब के रास्ते को खोल रही है और परमानेंट जॉब के साथ ब्लेस्ड होने जा रहे हैं आप यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप बड़ी गवाही आपके बिजनेस में आ रही है के सामर्थ्य नाम में, आपके परिवार में उतर रही है मसीह के सामर्थ्य नाम में, आपके घराने में उतर रही है मसीह के सामर्थ्य नाम में, आपके लाइफ में उतर रही है मसीह के सामर्थ्य सामर्थ्य नाम में। कितने लोगों को आज का वचन समझ में आ रही है, आपको वचन समझ में आ रहा है तो बोलो यस, हालेलुया, बोलो मैं आनंदित हूँ आज। यदि सचमुच में आप चाहते हो कि प्रभु आपका जीवन में बड़े काम करें, आप चाहते हो अद्भुत काम हो, मार्वलस टेस्टिमनी आपके लाइफ में आए, तो आज से आपने वाचा बांधना है, इस अक्टूबर मंथ से आप शाइन करने जा रहे हो, किसी ने भी मिस नहीं करना है। आइए हर एक जन अपनी आंखों को बंद करें, आज के वचन के द्वारा परमेश्वर बात किया, धन्यवाद करते हैं अक्टूबर मंथ इसके लाइफ में, इनके लाइफ में, हर एक बच्चों के जीवन में, हर एक बड़े लोगों के जीवन में, हर एक माता पिता के जीवन में, हस्बैंड वाइफ के जीवन में, हर एक लोगों के जीवन में जो आज सुन रहे हैं, चाहे किसी भी उम्र के देख रहे हो, आज शाइन करें ईश्वर के सामर्थ्य। आज से आपकी जो गिनती है ब्लेसिंग की शुरू हो चुकी है ईश्वर के सामर्थ्य नाम में। छुटकारे का छुटकारे डिलीवरेंस हीलिंग मिरेकल आज से शुरू हो चुका है, यदि आप वाचा बांध रहे हैं, यदि प्रार्थना कर रहे हैं, यदि आप डिसीजन ले रहे हैं सेपरेट होने का उन अंधकार की चीजों से, अलग होने के लिए आप चार उन अंधकार की चीजों से, गलत चीजों का हिस्सा, यदि अंधियारा आज भी आपके जीवन का हिस्सा है तो मुश्किल होगा प्रकाशित होना, वो अंधियारा आपके जीवन का हिस्सा नहीं होना चाहिए। यू हैव टू लर्न अबाउट दैट थिंग्स, हालेलुया, वो अंधियारा आपके जीवन का हिस्सा नहीं होना चाहिए। बोलो आज से अंधियारा मेरे जीवन का हिस्सा नहीं होगा, बोलो नशा मेरे जीवन का हिस्सा नहीं होगा, बोलो आज से मैं गलत चीजों में नहीं पड़ूंगा। यदि आज एक हस्बैंड, हालेलुया, आपका हस्बैंड यदि गलत लेडीज के चक्कर में पड़ा है और आपकी प्रार्थना जबरदस्त है, यदि आज आप फैसला ले रहे हैं आप से मैं अंधियारे में नहीं जाऊंगी, आज से मैं गलत चीजों में नहीं पढ़ूंगी। कई लोग ऐसे कहते हैं मेरा हस्बैंड जा रहा तो मैं भी वही काम करती हूँ, बदला लेते हो और आप खुद पाप करते हो, हालेलुया, लेकिन आज आपको अंधियारे से अलग होना पड़ेगा। आज आपको कहना है कि हे मेरे परमेश्वर, मैं जो भी मुझसे गलती मुझे माफ कर, मैंने भला बुरा कहा मुझे माफ कर, लेकिन अब से मैं फैसला लेती हूँ, अंधियारे को छोड़ूंगी, तेरे पीछे चलूंगी। आज हस्बैंड भी कहा से मैं अंधियारों को छोड़ूंगा तेरे पीछे चलूंगा, तो अब देखो बड़े चमत्कार को अपने लाइफ में, अपने हस्बैंड की लाइफ में, अपने वाइफ की लाइफ में, खुद वो सब चीज छोड़ के आपके पीछे आएगा या आएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके बच्चे भी सब कुछ, हालेलुया, आपके बच्चे भी वापस आ रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, खुशी और आनंद के साथ। आज परमेश्वर का आत्मा हर एक जन को छू ले और तैयार करे और नया मन दे और सब कुछ बदल जाए और परमेश्वर के प्रकाश से प्रकाशित होने जा रहे यीशु के सामर्थ्य। प्रभु इनको सबको बुद्धि दे, समझ के आत्मा दे, बच्चों को बुद्धि समझ के आत्मा दे, हर एक जन को जितने आज की वचन और प्रार्थना को सुन रहे, चाहे आप कोई भी क्यों ना, प्रभु बुद्धि दे, समझ दे, ज्ञान का प्रकाश का आत्मा से भर दे ईश्वर के सामर्थ्य नाम में, और मैच्योर बना आत्मिक जीवन में, मैच्योर बना ताकि कभी भी पीछे ना हटे अपने लाइफ से ईश्वर मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती जितना प्रकाश होगा उतनी चंगाई आएगी, जितना रोशनी बढ़ेगी उतनी हीलिंग आएगी ईश्वर के सामर्थ्य नाम में। जितनी रोशनी वचन से, रोशनी कैसे बढ़ेगी, वचन से बढ़ेगी, वचन के पीछे चलने से बढ़ेगी, डिसीजन लेने से बढ़ेगी परमेश्वर में, हालेलुया, तो आज चंगाई आपका होने वाला है, आप छुटकारा को लेने जा रहे हैं। मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा छू लीजिए, आज चंगाई की घोषणा करती हूँ। रबा खंता लबा शेतरे वे केंतिर लबका, अपने हाथों को रखो जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है, दर्द है, मैं प्रार्थना करती चंगाई इनके जीवन का हिस्सा हो, क्योंकि आपके कोड़े खाने से चंगे हो चुके, आपने कीमती लहू को बहाया है। आज मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा छू और बदल दीजिए, पवित्र आत्मा छू और बदल दीजिए, हर एक गलत चीज इनके लाइफ का हिस्सा नहीं छोड़ के जाए ईश्वर के सामर्थ्य नाम में। हर एक शैतानी अटैक, एविल स्पिरिट जो बार बार अटैक करती है, आज मैं तुझे डांटती हूं के सामर्थ्य नाम में। होली गोस्ट फायर 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 छोड़ के जाए, छोड़ के जाए, छोड़ के जाए यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। हर एक गलत चीजें गेट आउट, अंधियारे की चीजें गेट आउट, कोई ऐसी चीजें तंत्र मंत्र एविल स्पिरिट जहां से तू आया है वहां वापस जा। होली गोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में। और रब खंतला बशंतिर लेबे के तिर लेबे के तिर, प्रभु दया कीजिए यीशु अप्पा जी, दया कीजिए यीशु अप्पा जी, आज सब कुछ बदल दीजिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। छुटकारे की घोषणा करती हूँ प्रभु, छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करती, ब्लेस्ड कर दिया, धन्यवाद करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।
हालेलुया रब खंता नम संतिर लेबे शंतिर लेबे के दिरा ओ नम खंतर लब शंतिर लेबे के दिरा लेबे के दिरा प्रभु दया करो। आज एक जने को शुरू कई लोग आज मां बाप परेशान अपने बच्चों को लेकर उनकी हेल्थ को लेकर मैं प्रार्थना करती परमेश्वर पिता दया कर उनके रिपोर्ट को लेकर परेशानी की क्या होने वाला है। आज यदि माँ बाप आज फैसला ले रहे हैं कि हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, आज फैसला ले रहे हैं कि आज से हम परमेश्वर तेरे पीछे चलेंगे, आज से हम गलत चीज़ों को छोड़ें, तब के बच्चे का रिपोर्ट नॉर्मल आने वाला है। आज अपने हाथों को पकड़ो और प्रार्थना करो दोनों जन मिलकर। मैं प्रार्थना करती हूँ कि बच्चे का रिमोट इसी रिपोर्ट है, मैं नॉर्मल की घोषणा करती हूँ, निगेटिव की घोषणा करती हूँ, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड इन द मैटर ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके जिनके रिपोर्ट जो गए आने वाले हैं, जो वेट कर रहे हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ चंगाई की रिपोर्ट आए, छुटकारे की रिपोर्ट आए। डॉक्टर खुद कहे कि कोई डिसीज नहीं मिला मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं, और डॉक्टर शॉक्ड हो जाए, थोड़े दिन पहले तो ये था लेकिन अब तो कुछ भी नहीं। प्रभु ऐसी गवाही के साथ खड़ा करने जा रहे हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य ने आपका एक डिसीजन जो अंधियारे को छोड़ रहे हैं आज बड़ी गवाही को पैदा कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु के प्रकाश आपके जीवन में उतर रहे हैं के सामर्थ्य नाम है। हालेलुया। कई लोग कह रहे कि आज ही मुझे चाहिए, कई बार आपको प्रभु देखेगा, चाचेगा, परखेगा, इसलिए जल्दबाजी मत करना और बांट जो ना यीशु के सामर्थ्य नाम है। मैं प्रार्थना करती हूँ अपने सिर पर हाथ रखो, मैं ब्लेस करती हूँ, ये परमेश्वर के बच्चे हैं प्रभु, इन्हें छुड़ा लीजिए प्रभु जी, ये तेरे बच्चे, इन्हें छुड़ा लीजिए। हर एक बंधन और शैतानी ताकतों के हर एक वार से आजाद हो जाए। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। अपने पेट में हाथ रखो। हर एक खिलाया पिलाया दुष्टात्मा दिखिया कराया, होली गॉस फायर। यदि दवाई खाने से बहुत सारे इन्फेक्शन हुए, होली गॉस फायर। यदि कोई ऐसे फूड खाएं जिससे पॉइजन हो गया, होली गॉस फायर। मैं प्रार्थना करती पेट की समस्या छोड़ के जाए, पेट की रोग छोड़ के जाए। मैं प्रार्थना करती पेट की समस्या छोड़ के जाए, होली गॉस फायर 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 फायर। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। और रब खंता नम शंदिर ले बेखें तिरे ले बेके दिरा। मैं प्रार्थना करती जाए छोड़कर, जाए छोड़कर, जाए छोड़कर। मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा इनके पेट की समस्या, यदि रसौलियां या गिल्टियां जो पथरी है, होली गॉस फायर 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 फायर। इंटरनल प्रॉब्लम छोड़ के जाए, एक्सटर्नल प्रॉब्लम छोड़ के जाए, होली गॉस फायर। रुक अपने हाथों को अपने छाती के ऊपर। मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए, हार्ट अटैक से प्रभु आजाद कर बचा, होली गॉस फायर। चंगे हो जाए और आजाद हो जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है प्रभु। छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर की तारीफ हो। मैं प्रार्थना करती हूँ थ्रोट में रखो, हालेलुया, गले में। मैं ब्लेस करती हूँ, गले को चंगा कर, छुटकारा दे। शोल्डर में रखो पवित्र आत्मा, इनके शोल्डर में जो प्रॉब्लम है, दर्द है, हाथ नहीं उठा पाते, हालेलुया, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ। अपने हाथ को ऊपर नीचे करके देखो, आप ऑलरेडी चंगे हो चुके हैं। आमीन, हालेलुया। अपनी गवाही को देना मत भूलना, आमीन, हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं अपने कमर पे हाथ रखो, हर एक कमर के दर्द जो लेडीज में है, हर एक जेंट्स में है, होली गॉस फायर, हर एक कमर के दर्द से आजाद हो जाए, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। हर एक शापित चीजें छोड़ के जाए, यदि आपका फैसला वही है जैसे वचन में बताया है, तो आज वो चीजें छोड़ के जा रही है। हर एक शापित चीजें, गेट आउट, जहां से आया है गेट आउट, होली गॉस फायर। प्रभु छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करती हूँ, हालेलुया। अपने फेस पे रखो दोनों हाथों को। मैं ब्लेस करती हूँ आपके फेस में, अपने टिथ में यदि कोई दर्द है, या आपके मुंह के अंदर कोई ऐसी चीजें हैं, या बार बार छाला हो जाता है, अल्सर की बीमारी है, या फिर कोई टिथ में दर्द है, या प्रॉब्लम कुछ ऐसी चीजें हो रही है, यदि नोज में प्रॉब्लम है, यदि माथे में प्रॉब्लम है, मैं प्रार्थना करती हूँ के कानों में प्रॉब्लम है, आंखों में प्रॉब्लम है, या स्वेलिंग हो जाती है, या आपको सुनाई नहीं देता, या आप देख नहीं पाते हैं, होली गॉस फायर 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 फायर। चंगे हो जाओ, आजाद हो जाए, आंखों की रोशनी कम बैक इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हाले, अपने आंखों के विषय में वाचा बांधो कि मैं गलत चीजों में ना देखूंगा, कोई ऐसी चीजों को नहीं देखूंगी, ना करूंगी, हाले लुहिया, इसी और ना कभी मैं कोई गलत चीजों को सुनूंगा, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त आपके कान चंगे हो जाए, आपके कान नाक चंगे हो जाए, और जो स्मेल, जिनको टेस्ट नहीं आता टंग में, या फिर जिनको कोई स्मेल नहीं आता, आज से स्मेल आना शुरू है, आज से आपके टंग में जो टेस्ट नहीं आता, आज से टेस्ट का आना शुरू है। मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा शुले और बदल दे, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। ओ जीसस, सचमुच में हमारा महान परमेश्वर, आपको श्योर आप चंगे हो रहे हैं, बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड। प्रभु छुटकारा दे। कई लोगों का पेट में एकदम गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम, फूला सवरा रहता है और स्वेलिंग है, ये सूजन हो सकता है, आपकी किडनी में कुछ भी है, होली गॉस फायर फायर। चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ, बी हील्ड। प्रभु छुटकारा दे, चंगा करे, यीशु के सामर्थ्य नाम। रीढ़ की हड्डी में यदि प्रॉब्लम है, झुक के चलते हैं, सीधा नहीं खड़े हो पा रहे, प्रभु इन्हें सीधा खड़ा कर, पवित्र आत्मा शुले शुले शुले, हालेलुया, छुटकारा दे, चंगा करे, यीशु के सामर्थ्य नाम। उसके यीशु के कोड़े खाने से अब चंगे हो चुके, उसके लहू में जीवन है, हालेलुया। उस लहू को मैं अप्लाई करते हूं आपके सर से लेके पांव तक, हड्डी में, नसों में, वेन में, ब्लड में, हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। मैं प्रार्थना करती जिनका डायलिसिस चल रहा है, प्रभु शुले और चंगाई दे, छुटकारा दे, यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक इन्फेक्शन हो सकता है, वो यूरिन में है, ब्लड में है, या घाव में हो चुका है, या हड्डी में हो चुकी है, जहां भी हो चुका है, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करते, पवित्र आत्मा शुले जी।
पवित्र आत्मा शू लीजिए, पवित्र आत्मा शू लीजिए, पवित्र आत्मा शू लीजिए, पवित्र आत्मा शू लीजिए। ओ रब खंत लबसंति रडे बिके तिरे लेबे के तिरे लबक तिरा जीसस त्या करो, जीसस त्या करो, जीसस त्या करो। छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करते प्रभु, मदद किया, सहायता किया, धन्यवाद करते यीशु। अप्पा जी दया करो, हालेलुया हालेलुया। हेयर फॉल की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, हेडेक से आजाद हो जाए, डिप्रेशन की आत्मा छोड़ के जाए। भीड़ इस अक्टूबर मंथ में आप सुपर ब्लेस्ड होने वाले हैं, आप आनंदित होने वाले। जिनको ठंड लगती है, इस ठंड के मौसम में जो आज दर्द शुरू हो जाती है, मैं ठाट की गोली को स्वर, कोई दर्द ना रहे आज के बाद, चंगे और आजाद हो जाए। हड्डी की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, दर्द से आजाद हो जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती। परमेश्वर पिता, जो बहने कंसीव नहीं कर पा रहे वो कंसीव करने पाए, जो जो प्रॉब्लम है, गुप्त रोग, गुप्त बीमारी, यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। जो जरूरत है परमेश्वर, वो सारी चीजों को पूरा करके देना, और किसी भली वस्तु की कमी घटी नहीं। बेबी बॉय, बेबी गर्ल के साथ ब्लेस करने जा रहे, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हाले जो लोग प्रेग्नेंट है परमेश्वर पिता, सिस्टर के साथ रहना परमेश्वर, ब्लेस करना उन बहनों को, ब्लेस कर, ताकत शक्ति दे, सामर्थ्य, कोई सांस लेने में तकलीफ न होने पाए, और कोई इनका बीपी न बढ़ने पाए, नॉर्मल की घोषणा करती हूँ परमेश्वर पिता। सब कुछ अच्छे से हो और नॉर्मल डिलीवरी की हम प्रार्थना करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हाले लोग जो कंसीव नहीं कर पा रहे परमेश्वर पिता, इतने सालों से बाढ़ जोरे प्रभु की ओर ताक लगाए हुए, प्रभु इनकी प्रार्थना सुनर उत्तर दे और छुटकारा दे। और मैं प्रार्थना करती कंसीव की यीशु के सामर्थ्य नाम में, प्रभु ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करते हैं, आमेन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रार्थना करती हूँ उन भाई को, बहनों के लिए, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, जिनके पास जॉब नहीं है, जॉब लगती है और फिर से आपको निकाल दिया जाता है। मैं प्रार्थना करती प्रभु उनको परमानेंट जॉब के साथ ब्लेस कर, परमेश्वर तेरी इच्छा तेरी मर्जी के अनुसार। मैं प्रार्थना करती रास्ते को खोल दे दुष्टात्मा, होली घोस्ट फायर, इस अक्टूबर मंथ में प्रभु को ग्रेट जॉब विद ग्रेट सैलरी के साथ ब्लेस होने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और आपके रास्ते में रहने वाली यीशु के सामर्थ्य नाम में आपका बिजनेस को ब्लेस करती हूं। यदि आप इस वचन को फॉलो कर रहे हैं आज के, तो आपका बिजनेस ग्रो अप करने जा रहा है, कमाई डबल होने जा रहा है, क्योंकि वो रोशनी, वो किरणें चमकने वाली है आपके डिसीजन से। आप बड़ी ग्रोथ को देखने जा रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन, हालेलुया। का बिजनेस सुपर अनॉइंटेड, सुपर ब्लेस्ड होकर बदल जाए, यदि आपका डिसीजन यही है, वचन के अनुसार है, आमीन, हालेलुया। आप ग्रोथ करने वाले हैं, अंधियार आपके लाइफ का हिस्सा नहीं होना चाहिए, आमीन, हालेलुया। सुपर ब्लेस्ड यीशु के सामर्थ्य नाम में सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तेरी इच्छा तेरी मर्जी के अनुसार चला, और बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करते हैं बीमारी को डांट के खुली गोस्वा, हर एक थायराइड की प्रॉब्लम जय यीशु के सामर्थ्य नाम में, हालेलुया प्रभु दया कर। हर एक ब्रेन ट्यूमर से जाद हो जाए, काला पीलिया से जाद हो जाए, आपका हार्मोन्स लेवल बराबर होने के लिए प्रार्थना करते यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना कर सर्दी खांसी बुखार, हर एक महामारी, होली गोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिनको फिट्स और दौरे पड़ते, चंगे और आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती प्रभु जो उठ बैठ नहीं पाते, उठने बैठने लगे, घुटने की दर्द प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। हो सकता है आपके पैर में रॉड लगा, वहां पर इन्फेक्शन हो गया, तो मैं प्रार्थना करती हूँ बी हील एंड बी डिलीवर, चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ, यीशु के पूरी तरह से आजाद कर यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती प्रभु दया कर, दया कर, दया कर, दया कर। शुगर और बीपी को, जिनको प्रॉब्लम है प्रभु, पूरी तरह से आजाद कर, शुगर और बीपी की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा दया करो, पवित्र आत्मा शूलो, पवित्र आत्मा मदद करो, पवित्र आत्मा सहायता करो। मैं प्रार्थना करती हूँ, थैंक यू जीसस, अनुग्रह दो, शांति दो यीशु के सामर्थ्य नाम। इनके लाइफ सेम न रहे, इनके लाइफ को ब्लेस कर यीशु के सामर्थ्य नाम। हालेलुया हालेलुया, गर्दन के प्रॉब्लम से आजाद कर, जिनको नेक में जो पहनते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें सही रखने के लिए, इसी वक्त हील हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम। जो पट्टी बांध के रखते अपने कमर में, हाले बी हील्ड एंड बी डिलीवर, चेक करो अपने आप को, चंगे हो चुके हैं, आमीन, हालेलुया। प्रेज बी टू गॉड, प्रभु इस अक्टूबर मंथ सुपर ब्लेस्ड मंथ होकर बदल जाए, आमीन, हालेलुया। सर प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते। जितने प्रेयर रिक्वेस्ट भेज प्रभु, जिनकी प्रार्थना सुनर उत्तर दे, मैं प्रार्थना करते एक नशे से आजाद हो जाए, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। हर तरह की नशा, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। जो वे विचार में है, जो गलत चीजों में पड़े हुए हैं, मैं बाहर आने की घोषणा करती हूं यीशु के सामर्थ्य नाम में। कई ऐसे हैं जो लिविंग रिलेशनशिप में है, जो पाप में जिंदगी जी रहे हैं, जिनके बच्चे और माँ बाप बहुत परेशान अपने बच्चों को लेकर, जो जिनके बच्चे अपने माँ बाप से भी बात करना बंद कर दिए, मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा हालेलुया बदल दे इनके बच्चों को, और वो बात करना शुरू करे, लिविंग रिलेशनशिप गलत चीजों से आजाद कर, हालेलुया, छुटकारा दे, जिद्दीपन से आजाद कर यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी, जिनके बच्चे पढ़ाई लिखाई करते लेकिन पढ़ाई लिखाई में हो सकता है प्रीमेच्योर, कई बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पाते अच्छी तरह से, प्रभु खोल दे उनके बुद्धि और समझ को, और बड़ी गवाही के साथ घोषणा करते यीशु के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते, पवित्र आत्मा शू लीजिए, शू लीजिए, शू लीजिए, हालेलुया। जो फॉरेन कंट्री जाना चाहते परमेश्वर पिता, उनका जिनका पासपोर्ट रुका हुआ या फिर उनका वीजा नहीं लग पा रहा, मैं घोषणा करती वीजा के साथ
ब्लेस करते यीशु के सामर्थ्य नाम में, रास्ते को खोल दे, तेरी इच्छा तेरी मर्जी के अनुसार होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया कर, अनुग्रह दे, शांति दे और बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर दिया। धन्यवाद करते हैं, हालेलुया, थैंक यू जीसस। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे दिया। कई जो लोग परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं, जो बुलाहट उसको जो पूरा कर रहे, परमेश्वर पिता उनको ब्लेस कर, मदद सहायता करो। तेरी इच्छा तेरी मर्जी पूरी, हर एक घमंड की बातें छोड़कर जाए, हर एक गलत बातें छोड़कर जाओ और वो आपके लाइफ का हिस्सा ना हो। परमेश्वर तेरी इच्छा तेरी मर्जी हर एक लोगों के जीवन में पूरी हो। और चर्च जो लोग नहीं जाते प्रभु उनको जीवित चर्च में लेकर आ प्रभु जी। जो चर्च छोड़ दिया प्रभु उनको भी लेकर आ परमेश्वर पिता। जो पीछे हटे लोग उनको भी लेकर आ और ज्वाइन करने के लिए परमेश्वर तेरी उपस्थिति में बने रहने के लिए और खड़े रहने के लिए मदद और सहायता करो परमेश्वर पिता। हालेलुया, सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ, यीशु के लहू में कवर करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती प्रभु जी। अनुग्रह शांति दे परमेश्वर। ये मंथ सुपर ब्लेस्ड मंथ होकर बदल जाए, एक गवाही वाला मंथ होकर बदल चुका आपके लाइफ में, ब्लेसिंग वाला मंथ होकर बदल चुका आपके लाइफ में, एक छुटकारा वाला मंथ होकर बदल चुका। आमीन बोलते जाए, आमीन बोलते जाए, हालेलुया लिखते जाए, बोलते जाए, हाँ मेरे लाइफ में ये छुटकारा का मंथ है। बोलो, ये चंगाई का मंथ है, परमेश्वर की ओर बढ़ने का मंथ है। मैं प्रकाश से, परमेश्वर के प्रकाश से प्रकाशित होने का मंथ है। बोलो, परमेश्वर के पीछे चलने का मंथ है। और आज से मैं चलूंगा यीशु के सामर्थ्य में, बढ़ने जा रहा हूँ यीशु मसीह में, परमेश्वर में, प्रार्थना में। आपकी लाइफ आत्मिक होकर बदल जाए, आपका परिवार आत्मिक होकर बदल जाए यीशु, आपके बच्चे आत्मिक होकर बदल जाए, आपका हस्बैंड आत्मिक होकर बदल जाए, आपकी वाइफ आत्मिक होकर बदल जाए, परिवार आत्मिक होकर बदल जाए, आपका बिजनेस भी एग्जैक्टली ऐसे होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके जॉब सब कुछ सुपर ब्लेस्ड, आपके चारों ओर की परिस्थिति, आपके दोस्त, आपके फ्रेंड, आपके नेबर्स, सबको परमेश्वर धार कर और ब्लेस कर यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिनके पास घर नहीं, परमेश्वर घर जो खरीदना चाहते हैं पर हो सकता है वो पूरा नहीं हो पा रहा, पैसे की कमी हो रही, प्रभु जी घर के साथ ब्लेस करते यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, कर्ज से आजाद कर। कितने लोग आज फाइनेंशियल ट्रबल में है, प्रॉब्लम है, कर्ज से आजाद की घोषणा करती हूँ, आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। प्रभु ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करते। जो कार या गाड़ी जो भी लेना चाहते प्रभु, रास्ते को खोल दिया। फिर बिजनेस पर्पस के लिए लेना चाहते हैं, ऑटो लेना चाहते हैं या बस लेना चाहते हैं या ट्रैक्टर लेना चाहते हैं, रिलीज करते हैं सुपरनेचुरल पावर परमेश्वर की ओर से। हालेलुया, छुटकारा दे, गवाही के साथ खड़ा कर और रिलीज करते हैं ब्लेसिंग को आपके लाइफ में, यीशु के सामर्थ्य नाम में दे दिया। धन्यवाद करते हैं। जो चर्च भवन के राज्य के लिए जमीन देना चाहते हैं, अपना अपना हिस्सा जो प्रभु के राज्य में बोना चाहते हैं, प्रभु उनके लाइफ को भी ब्लेस कर। और जो जमीन का केस चल रहा है आजाद कर, जो कह रहे हैं मैं आता हिस्सा प्रभु के राज्य में दे दूंगा, प्रभु उनके रास्ते को खोल दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हाल ही जिनके रजिस्ट्री की प्रॉब्लम हो रही है, सब कुछ मुहैया कर यीशु मसीह के सामर्थ्य में। पैसे की प्रॉब्लम हो रही है, शॉर्ट आउट हो रही है, प्रभु जी सब कुछ पूरा कर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो सचमुच प्रभु के पीछे चलने के लिए, उसके राज्य को बढ़ाने के लिए काम करना चाहते, प्रभु ब्लेस कर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुन लिया और रास्ते को खोल दिया, हम धन्यवाद करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनके हाथों की कमाई को, सोर्स और हिस्से को ब्लेस कर यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, ये अक्टूबर मंथ में प्रभु आपको ब्लेस कर, जिन कामों में हाथ लगा सुपर तरीके से बढ़ते जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जितने लोग प्रभु के राज्य के लिए बीजों को बोना चाहते हैं और बोने के लिए आ रहे हैं, ऑन द वे हैं, सचमुच प्रभु ने ब्लेस करने जा रहा, धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, जितने लोगों ने वाचा बांध के प्रार्थना कर रहे हैं, तो मेरा विश्वास आपके लिए बिल्कुल सेम नहीं रहने वाली, आप बड़ी गवाहियों को लेने जा रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी तेरी इच्छा तेरी मर्जी पूरी इनके जीवन में। प्रभु जी आपका आगमन बहुत निकट, उसको तैयार करो। आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कर लीजिए पिता। आमीन सभी का, हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें, सबके साथ आपने शेयर करना है, ताकि हर एक ब्लेस्ड होना चाहिए। और ये भी एक सेवा है, जब आपकी एक प्रार्थना को जब दूसरे के साथ शेयर करते हो, स्टेटस में शेयर करते हो या फेसबुक जो भी सोशल मीडिया शेयर करते हो, आपकी एक प्रार्थना के जरिए लाखों लोग बच सकते हैं, हजारों लोग बच सकते हैं, सैकड़ों लोग बच सकते हैं, आपके रिश्तेदार बच सकते हैं, आपके फ्रेंड बच सकते हैं, तो फिर क्यों नहीं शेयर करते आप? और ये आपको पता है, जब आप शेयर करके किसी एक व्यक्ति को बचा लेते हो नाश होने से, तो आपके लिए एक बड़ा रिवॉर्ड परमेश्वर ने रखा है। क्योंकि ये ऑनलाइन है, ये मीडिया का जमाना है, तो इस मीडिया को आप परमेश्वर की महिमा के लिए यूज करो। हालेलुया, तो मेरा विश्वास है कि आप लोग सब करेंगे और आप सुपर ब्लेस्ड होने जा रहे हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। तो संडे की जो प्रेयर मीटिंग है वो 9 बजे शुरू हो जाएगी, तो आपने पार्टेक जरूर करना है। आप जहाँ भी आप परमेश्वर के भवन में आए और आपके लिए सेम नहीं रहने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन हालेलुया, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। अपने भेंट अपनी ऑफरिंग को प्रभु के राज्य के लिए बोल सकते हैं, फॉरेन कंट्री से जो आप बोल सकते हैं, आप अपने स्क्रीन में एड्रेस को देखें, चर्च का एड्रेस, आप चर्च पहुँच सकते हैं। आमीन हालेलुया, हालेलुया। और आपके लिए प्रार्थना भी होगी, आपने विश्वास के साथ आना है प्रभु के भवन में। हालेलुया,
जो बेटा अपनी ऑफरिंग देना चाहते फॉरेन कंट्री से आप बैंक अकाउंट देखो और बो सकते अपने बीजों को। यदि आप वेस्टर्न यूनियन के थ्रू आप बोना चाहते हो तो आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, आप प्रेयर सेंटर में कॉल करके बता सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। बट बेटर यह है कि आपने व्हाट्सएप में मैसेज करना है और हमारे रिप्लाई का इंतजार करना है। हालेलुया। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। तो सुबह की प्रार्थना 3 बजे, शाम की प्रार्थना 6 बजे होती है। किसी दिन की भी प्रार्थना को मिस ना करें, किसी ने किसी प्रार्थना में प्रभु को छू सकता है, इसलिए आपने किसी भी प्रार्थना को मिस नहीं करना। आमीन हालेलुया। प्रभु पहुंचा करे, ब्लेस करे आप सभी लोगों को। जय मसीह की। सभी कहें हालेलुया।